अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहांआरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ पतली वाली दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार की दाल बनती है और मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन पर इसे बनाने वाली हूँ, जिससे हमारा दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और मैं यहाँ पर मसूर की दाल से इसे बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दाल की रेसिपी। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है, जिसे मैंने स्टोव पर रखा हुआ है, लेकिन हमारा स्टोव फ़िलहाल ऑफ है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मसूर की दाल ली हुई है, जिसे मैंने पानी से साफ़ करके 10 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया था। और आप देख सकते हैं ये फूल भी चुका है थोड़ा सा। तो चलिए मैं इसे बर्तन पर डाल लेती हूँ। और इसी कटोरी के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 से 2.5 कटोरी के करीब पानी डालूँगी। अगर हम दाल को इस तरह से पहले पानी में भिगो लेते हैं तो हमारा दाल पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कटोरी दाल में मैंने 2 से 2.5 कटोरी करीब पानी डाल लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं स्टोव का फ्लेम हाई कर लूँगी। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 उबाल आने तक पकाएंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दाल जो है उबलना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं स्टोव का फ्लेम लो कर लूँगी और मैं इसे इस तरह से एक करछी ऊपर रख लूँगी और इसका लीड आधा खुला हुआ छोड़ दूँगी। इसी तरह से हमें छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो चलिए मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। दाल को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा दाल परफेक्ट गल चुका है। अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल लेती हूँ। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और मैं इसे यहाँ पर हम जो दाल घोटनी रखते हैं उससे मैं इस तरह से इसे घोट लूँगी, अच्छी तरह से चला लूँगी। और इस तरह से करने से क्या है ना, हमारा दाल अच्छी तरह से गल जाएगा, यानी जो भी रहेगा दाल वो अच्छी तरह से टूटकर दाल गल जाएगा। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इसे तड़का लगाऊँगी। तड़का लगाने के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर एक पैन रख लेना है। अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल लेती हूँ। सरसों के तेल को हम अच्छा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 3 लाल सूखी मिर्च, 1 छोटी चम्मच पंचफोरन, 4 लहसुन की कली को जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और इसी के साथ 1 चुटकी हींग हमें डाल लेना है। अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के प्याज को भी बारीक काट कर डाल लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, प्याज को लाल होने तक हम खड़े मसालों के साथ भून लेते हैं, जब तक हमारा प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और तड़के से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो चलिए अब हम इसे दाल पर डाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पतली वाली दाल यानी मसूर की दाल बिल्कुल बनकर तैयार है। तड़के वाली दाल बहुत ही मज़ेदार की बनती है, और ये आप चाहें तो इसे गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इसे पतला ही खाने में ज़्यादा मज़ा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस दाल को सिर्फ आप चावल के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, या फिर आप इसे अगर रोटी के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ आपको इस तरह का दाल बनाना है, एक चावल बनानी है और साथ में कुछ चटनी और पापड़, इसके साथ आपको कोई भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मज़ेदार की दाल बनकर ये तैयार होता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। खासकर अगर हम मिट्टी के बर्तन पर कुछ भी बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सौंदापन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेसिपी का बिल्कुल एक टेस्ट अलग सा आता है। तो रोज़ाना हम तो कुकर पर या फिर किसी भी बर्तन पर बनाते हैं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन पर बनाया हुआ खाना, दाल जो मैंने बनाया है, इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, सौंदापन रहता है, तो ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।